हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्यन्स मॉम। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और आज फिर लेकर आई हूँ मैं शॉर्ट सेंटेंसेस जो आप बच्चों के साथ बोल सकते हैं इंग्लिश में, और ये है मॉर्निंग टाइम में बोलने वाले सेंटेंसेस। और चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो। बट आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे बच्चा उठता है तो उसको हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग। मैं अपने बेटे को एग्जांपल लेके चलती हूँ, तो मैं ऐसे उसको बोलूँगी गुड मॉर्निंग आर्यन, वेकअप। वेकअप मीन्स होता है जगना। फिर बोलेंगे गेटअप, गेटअप आर्यन, आर्यन उठ जाओ। उठने के लिए बोलेंगे तो हम बोलेंगे गेटअप, जगने के लिए बोलेंगे वेकअप। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, वो खुद से बाथरूम जाता है, वॉशरूम जाता है, तो आप उसको बोलेंगे गो टू द वॉशरूम टू फ्रेशन अप। बट बच्चा छोटा है, जैसे मेरा बेटा है, अभी मैं उसको खुद लेकर जाती हूँ, तो उसको मैं बोलूँगी लेट्स गो टू द वॉशरूम टू फ्रेशन अप। ब्रश योर टीथ, ब्रश करने के लिए जब बच्चों को बोलेंगे तो बोलेंगे ब्रश योर टीथ। वॉश योर फेस, चेहरे धोने के लिए बोलेंगे वॉश योर फेस। फिर मैं अपने बेटे को थोड़ा सा गुनगुना पानी देती हूँ पीने के लिए, सब शायद आप सब देते होंगे बच्चों को, अच्छा होता है सुबह सुबह देना। तो आप ऐसे बच्चों को बोल सकते हैं कि हैव सम वार्म वाटर, हैव सम वार्म वाटर, थोड़ा गर्म पानी पी लो। जैसे हम बच्चों को कुछ खाने के लिए पूछते हैं तो पूछेंगे व्हाट विल यू लाइक टू हैव, तुम खाने में क्या लेना चाहोगे, क्या पसंद है तुम्हें। जैसे हम बच्चे को बोलेंगे कि चलो हम साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसको बोलेंगे लेट अस हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर। अगर आपने कुछ बच्चे के लिए बनाया है, जैसे कुछ भी, जैसे आलू के पराठे या जो उसको पसंद हो, तो आप उसके लिए जो बनाए हैं तो आप उसको इस चीज़ ये चीज़ बताते हैं। जैसे हम बताते हैं ना बच्चे को कि मैंने पराठा बनाया है आलू के, या फिर मैंने तुम्हारे लिए ओट्स बना दिया, या कुछ भी जो भी आप बनाते हैं तो बताते हैं, तो उसको हम बोलेंगे आई मेड आलू पराठा फॉर यू, आई मेड ओट्स फॉर यू। आप जो भी बनाते हैं आप उसको ऐसे बोल सकते हैं। डू यू लाइक आलू पराठा, तुम्हें आलू पराठा अच्छा लगता है। या फिर आप जो भी नाश्ता में बनाते हो ना, तो आप उसको ऐसे पूछ सकते हो, जैसे बच्चे सब पूछते हैं तुम्हें अच्छा लगता है ना आलू पराठा, या फिर जो भी, तो बोलते हैं डू यू लाइक आलू पराठा, डू यू लाइक ओट्स, डू यू लाइक ब्रेड, जो भी बच्चा खाता है आप उसको ऐसे बोल सकते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं ना, हम कुछ बनाते हैं तो बच्चे क्या बोलते हैं, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे नहीं चाहिए, तो हम बोलेंगे जस्ट टेस्ट इट, थोड़ा टेस्ट करके देखो, जस्ट टेस्ट इट। फिर बच्चा खाता है तो उसको अच्छा लगता है तो हम उससे पूछेंगे डिड यू लाइक इट, तुम्हें अच्छा लगा। जैसे बच्चे पराठे खा रहे हैं तो बोलते हैं अब नहीं खाना है, तो हम बच्चे को बोलते हैं नहीं नहीं थोड़ा सा और खा लो, इतने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। तो हम उसको पूछेंगे, तो बोलेंगे वन पराठा इज़ नॉट एनफ फॉर यू, मतलब एक पराठा तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है, ऐसे बोलेंगे उसको। जैसे कि हम बच्चे को सोचते हैं कि चलो एक तो खा लिया बट थोड़ा और खा लेंगे तो उसका पेट भर जाएगा, बट बच्चे नहीं चाहते हैं लेना, तो हम सोचते हैं ना कि किसी चीज़ के साथ बोल दें जो उसका फेवरेट है, उसके साथ बोल दें खाने के लिए, उसको हम बोलेंगे टेक अनदर पराठा विथ चीज़, विथ कर्ड, विथ सॉस, जो भी उसको पसंद हो, तो आप उसके साथ ऐसे बोल सकते हैं कि टेक अनदर पराठा विथ कर्ड चीज़, ऐसे बोल सकते हैं। जब बच्चा ब्रेकफास्ट कर लेता है तो हम उसको पूछते हैं ना कि तुम्हारा नाश्ता हो गया, तुम्हारा ब्रेकफास्ट हो गया, तो उसको हम पूछेंगे हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, तुमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। फिर बच्चे को हम पानी पीने के लिए थोड़ी देर बाद बोलते हैं तो बोलेंगे हैव सम वाटर। और जब हम बच्चे को नहलाने के लिए लेकर जाएंगे तो बोलेंगे लेट्स गो टू टेक बाथ। बच्चे जब बाथरूम में जाते हैं तो क्या करते हैं, शरारत करने लगते हैं, कुछ ना कुछ पानी मग्गा से निकालना और गिराना, या फिर साबुन के साथ खेलना, कुछ ना कुछ करते हैं, तो हम बच्चों को बोलेंगे डोंट डू दिस, वी आर गेटिंग लेट, ऐसे मत करो, हमें लेट हो रहा है, हरी अप, जल्दी करो बच्चों। फिर हम अपने बच्चों को कपड़ा पहनने के लिए बोलते हैं तो बोल देंगे पुट ऑन योर क्लॉथ्स। फिर उनको हम कंघी करने के लिए बोलेंगे कॉम योर हेयर।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा एक और चैनल है किचन का स्मार्ट किचन, जिसमें मैं खाना बनाने के बारे में और माइक्रोवेव में कैसे खाना बनाएं और आप इसी तरीके से किसी भी खाने को कैसे बना सकते हैं, ऐसे ऐसे वीडियो मैं उसके साथ में शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ एक बार आप वहाँ पर जाके देखिएगा, मेरे मैं इसमें लिंक डाल दूँगी, तो प्लीज़ एक बार विजिट करके देखिएगा, अच्छा लगेगा तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच देखने के लिए।